अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट सैयद गुलाम जिलानी और आज हम लोग मौजूद हैं द सिटी ऑफ सेंट्स, द सिटी ऑफ श्राइन्स, यानी कि हम लोग मौजूद आज मुल्तान मदीनतुल औलिया में और अब हम लोग सफर कर रहे हैं शाह शम्स तबरीज़ रहमतुल्लाह एक्सप्रेस की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अपनी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अभी यहाँ पे पहुंच चुके थे कि दरबार शरीफ के भाई जो उनसे मुंसिबल का गली है और मेरे बैग पे आप देख रहे होंगे दुकाने दरबार शरीफ का। आइए दरबार शरीफ के अंदर चलते हैं। ये मरकजी दरवाजा है जहाँ पे सिक्योरिटी क्लीयरेंस भी, सिक्योरिटी चेकअप भी है दरबार शरीफ का और सामने आप गुंबद की ज़ियारत भी कर रहे हैं। शमश तबरेज सुन ले हाल गुलामा सा, ओ शाह शमश तबरेज ते जावा मैं सदके देवानी, ओ चन सूरत भी कर दे मेरे पीर दी ताबेदारी। सब दीवार शाह शमश तबरेज सुन ले हाल गुलामा दा, शाह शमश तबरेज आबादी रवे तेरा दर बाबा, एक नजरी करम दी कर बाबा, हो एक नजरी करम दी हो जावे। रवायत है यहाँ पे दरबार शरीफ पे कबूतर भी मौजूद है तो वहाँ पे लोग अक्सर जायरीन आते हैं और कबूतरों को दाना डालते हैं। जैसे आपको अक्सर पता है जाता है जंतर मजार एक कसो, ये मुफ्ती कुलिया के मजार एक कसो, वहाँ पे दाना डालना कबूतरों को तेरे बाजो साडा जगते, तेरे बाजो साडा जगते और न कोई सहारा। सब दीवार शाह शमश तबरेज सुन ले हाल गुलामा दा, इथ ले आई मैनू तेरी लगन, इथ ले आई मैनू तेरी लगन, या शमशी रफीक दा बरदामन। यार मौजूद है शाह शमश तबरेज अब्दुल मुबारक पर और यहाँ पे मकबरे के पायर भी कुछ कबूर है जो कि गालिबन आपके खानदान से या मुख्तलिफ औलिया की हैं और ये मेरे पीछे आप खुतबा देख रहे हैं जिसपे शाह शम्स अब्दुल्ला के हाल अहवाल लिखे हुए हैं और बड़ा खूबसूरत ये मकबरा बनाया गया है। आप अगर मेरे ऊपर देखें ये लकड़ी की छत बनी हुई है और बड़ी प्यारी खूबसूरत हिफाजत से इसको बनाया गया और काफ़ी कदीम ही लग रही है। और यहाँ पे आपका मुकालमा भी वो लिखा हुआ है जो मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब से हुआ जिसमें आपने फरमाया ये चीज़ और वाकया तकरीबन सभी को याद होगा और आपका वो वाकया भी लिखा हुआ है जिसमें आप सूरज से मुखातिब हुए और एक रवायत में ये भी मिलता है कि आप शाह रुकनुद्दीन आल रफ्तार से आपसे भी मुखातिब हुए। मैं झूठ बोला ते क्यों बोला मेरा कम कदे ना अणिया, मैं झूठ बोला ते क्यों बोला मेरा कम कदे ना अणिया, ओ सारी दुनिया देख बाल के, सारी दुनिया देख बाल लड़ मुर्शद दा फणिया। शासों मस्त तबरेज सुन ले हाल गुलामा दा, ओ मस्ती अलस्ती फकीर सदावे, सूरज नू तू कोल बुलावे जेड़ा तेरे डर ते आवे, जेड़ा तेरे डर ते आवे, ओ ओदे सुते भाग जगावे। आपकी करामत लिखी हुई है ऊपर, उन्होंने बाय मिस्टेक शायद मौजा लिख दिया है, मौजा नहीं वली कामिल की करामत होती है। ये वो करामत आपकी लिखी हुई है जिसमें आपने तैश में आके आसमान की तरफ देखा और सूरज मुखातिब करके कहा कि तू आसमान का शम्स है, मैं जमीन का शम्स हूँ, तेरे होते हुए मुझे गोश्त का टुकड़ा भूनने नहीं दिया गया। ये सुनते ही सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दी, गर्मी पर इजाफा हो गया, लोग गर्मी की वजह से मरने लगे। बाद मालूम हुआ कि शहर में कोई बुजुर्ग हस्ती आई हुई है जिसे तंग किया गया, इसी वजह से गर्मी की हिद्दत और शिद्दत में बेपना इजाफा हो गया। शहर के लोग भागते हुए शाह शम्स सरकार अब्दुल के पास आए, माफ़ी मांगी और ये मुसीबत टल गई। आज भी कहा जाता है कि मुल्तान शरीफ में जो गर्मी पड़ती है बाबा शाह शम्स अब्दुल्ला से मंसूब है और नीचे एक नज़म भी आप लिखी हुई है आप देख सकते हैं। फिर मुस्कुरा कर फरमाते हैं तू शम्स जली मैं शम्स अली। याकत सईदी साहब हैं जिनसे हमने यहाँ पे बड़े पुरसोज और खूबसूरत अंदाज में कवाली सुनी है
और यकीन जाने एहसास नहीं हो रहा था कि अकेले पढ़ रहे हैं, और हम सब भी यहाँ पे, हालांकि आप सबको हमारे व्यूवर्स को पता है कि मेरा सिलसिला सिलसिला या नक्शबंदी है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग यहाँ पे झूमने भी मजबूर हो गए हैं उनकी कवाली पे। वो बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है इन्होंने अदायगी की। आबादी रवे तेरा दरबाबा एक नजर दरबारशिर से मलिका, एक छोटी सी दुकान है जहाँ पे तबरुकात की सेल हो रही थी, तो मैं सोचा कि यहाँ पे हदीयतन तबरुकात में से कुछ लिया जाए। मैंने लिया यहाँ से जाकर जो कि बच्चियाँ बांधती हैं अक्सर, क्योंकि लड़कों के लिए तो ये हमारे यहाँ मना है, लेकिन बच्चियों के लिए इसे मसला कोई नहीं है, तो मैंने बेटी के लिए लिया है तबरुकात तबरुक के तौर पर। ये था हमारा इंतहाई रूहानियत से भरपूर और कैफियात से मुजयन शाह शम्स तबीर रहमतुल्लाह के दरबार अक़दस का टूर, और हमने ख़ुद भी ज़ियारत की और आपको भी ज़ियारत करवाई, और यकीन जाने बड़ा ही खूबसूरत और रूह परवर मंजर था यहाँ पे। और मेरे आप पीछे देख रहे होंगे मज़ार अक़दस भी आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। एक नजर करम दी हो जावे किस्मत अजमा के जानी है बस शासम मश तबरे।